स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से, कि हम कहते हैं कि जो स्पेस होती है कि अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास स्पेस अराउंड मैग्नेट जो होती है, जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्सेस के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास सिंपल केस जो है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट हो जिसके हमारे पास, हमें पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक हमारे पास कहलाएगा नॉर्थ पोल, एक हमारे पास कहेगा साउथ पोल। अब उसके अराउंड जो है एक हमारे पास एक रीजन जो है जिसके अराउंड हम उसकी जो है उसके मैग्नेटिक फोर्सेस के इफेक्ट को महसूस कर सकें, यानी कि वो किसी एक मैग्नेट को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मैग्नेट लेकर आई हूँ नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, उसके तो उसमें जो भी वो अट्रैक्शन करेगा इसकी तरफ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स जो होते हैं वो आपस में रिपल्जन करते हैं। तो ये मैग्नेट अगर इस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस कर सकता है, तो इसका मतलब होगा कि हम कहेंगे कि ये मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में लाए कर रहा है। लेकिन अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ यहाँ बहुत दूर रख देती हूँ, यानी कि इस जगह पे रख देती हूँ कि उसको ये उसकी फील्ड लाइन से बाहर है, तो इसके ऊपर इस मैग्नेट का असर नहीं होगा, यानी कि इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होगी। लेकिन जब ये इसकी फील्ड लाइन के अंदर आ जाएगा, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो इसके इफेक्ट को महसूस कर सकेगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम जिसे हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट की। इसी तरह हर मैग्नेट जो है वो उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो डिपेंड करती है कि हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है कि जितना स्ट्रांग मैग्नेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रांग जो है मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, उतनी वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्सेज भी एग्जर्ट करेगा। अब अगर हम देखें, अब जो हमने मतलब कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि हमने हम लोगों ने स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन अर्थ क्या होती है। उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने सिंपली ये किया है कि जिस तरह से मैं उसकी एक्सपेरिमेंट की कुछ अरेंजमेंट दिखाती हूँ आपको, कि यहाँ मैं इस पिक्चर को प्लेस कर देती हूँ। अब अगर देखें मैंने क्या किया है, सिंपल एक स्टैंड लिया है और उसके साथ एक थ्रेड के जरिए एक मैग्नेट को हैंग कर दिया। अब मैग्नेट के जो है, क्योंकि उसी तरह से दो पोल्स होंगे, एक हमारे पास नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, और मैंने इसके करीब जो है यहाँ करके मैंने एक कंपास रख दी है। कंपास जो है वो हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें जियोग्राफिकल डायरेक्शंस बताता है, यानी कि जियोग्राफिकल डायरेक्शंस जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हैं उनको इंडिकेट करता है। सही, अब अगर देखा जाए जैसे अगर उसके अंदर जो कंपास होती है वो एक बिल्कुल उसके अंदर एक नीडल सी होती है जो कि पॉइंट आउट करती है चार डायरेक्शंस को हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो मैं अगर इस मैग्नेट को जो कि थ्रेड के साथ हैंग हुआ है उसको रोटेट कराती हूँ, यानी कि उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि वो दोबारा से अपनी जो पोजीशन मेंटेन करेगा वो क्या, कौन सी पोजीशन होगी, बिल्कुल अलाइंड होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कंपस, यानी कि कंपस के मुताबिक उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। इसकी रीजन क्या है बेसिकली, वो क्यों अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अलाइन कर देता है कंपस के मुताबिक। तो अगर हम देखें तो इसकी रीजन कैसे हमें पता चल सकती है, उसके लिए हमने एक छोटी सी मतलब कि जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक डिस्कवरी की थी जिसके जरिए उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब अगर हम देखें इस डायग्राम को भी हम अपने करीब ही रखते हैं, और एक हम जो है हमें जो मतलब कि जो हमारे नॉलेज के मुताबिक ये अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो है वो कुछ इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी इस तरह से है कि हम हमारे पास जो अर्थ है उसके अंदर आयरन का आयरन कोर है, यानी कि एक बहुत गर्म जो है लोहा जो है जिसे हम कहते हैं कि अर्थ का जो कोर है उसके अंदर बहुत बहुत हॉट मतलब कि बहुत हॉट है वो, और उसके अंदर आयरन कोर है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो है हमारे पास, क्योंकि
क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है वो स्पिन स्पिन परफॉर्म करती है, यानी कि वो एक तो सन के अराउंड मूव करती है और एक अपने एक्सिस के अराउंड भी उसकी रोटेशन है, यानी कि अपने एक्सिस के अराउंड भी वो रोटेशन करती है। अब ये जो रोटेशन है इसके जरिए उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं ये जनरेट होने से क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जब एक एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल बी से डिनोट कर देती हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, सही, यानी कि उसके अराउंड हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, सही। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी तरह से है कि जैसे हमारे पास अर्थ जो जो मैग्नेट जो अर्थ है उस वो एक बिग बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है, और उसके उसी तरह से हमारे पास दो पोल्स हैं, एक हमारे पास नॉर्थ पोल है एक हमारे पास साउथ पोल है, और ये मैंने साउथ नॉर्थ पोल कह दिया, ये मैंने साउथ पोल कह दिया, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसी तरह से हैं कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जो है वो अमर्ज होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से निकल रही हैं और जो हैं वो साउथ की तरफ जाके एंड अप हो रही हैं, सही। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये थोड़ी सी, मतलब कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो ओरिएंटेशन होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी कि इसका एंगल जो है वो 11 डिग्री समथिंग जो है वो टिल्ट होता है, यानी कि ये थोड़ी सी टिल्टेड होंगी हमारे पास जो ओरिजिनल स्पिन डायरेक्शन से थोड़ी सी टिल्टेड होती है। अच्छा, एक तो ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। अब अगर हम देखें कि हम ये रीजन तलाश करना चाह रहे थे कि हमारे पास ये जो बार मैग्नेट जो हमने अर्थ पे रखा हुआ है, यानी कि अर्थ पे जो भी बार मैग्नेट है वो हमेशा अलाइंड क्यों हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसकी जब रीजन हमने देखी तो हमें ये पता चला कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उसके ऊपर जो भी बार मैग्नेट जो अर्थ के ऊपर लाई कर रहा है वो हमेशा अपने आप को अलाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा अर्थ के साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल के अट्रैक्ट होगा और वो अपने आप को अलाउन कर देगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास ये जिस तरह से मैंने इस डायग्राम में भी शो किया कि हमारे पास जो साउथ मैग्नेटिक पोल है यानी कि मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो उसके ऑपोजिट जो है वो जियोग्राफिकल पोल है यानी कि नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल जो है वो हमारे पास यानी कि जो जो अर्थ का जो साउथ पोल होगा उस पे वहाँ जो है वो हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शन में नॉर्थ पोल नजर आएगा, और हमें जो हमारे पास जो अर्थ का साउथ पोल है नॉर्थ पोल है उसके ऑपोजिट जो है हमें यहाँ साउथ पोल नजर आएगा जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में। और हमारे पास जो कंपास होती है जिसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वो हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शंस को बताती है हमें, तो इसलिए हमें ये नजर आता है कि जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल नॉर्थ पोल के साथ ही अलाइन हुआ हुआ है, और इसी तरह साउथ पोल जो है वो साउथ पोल के साथ अलाइन है अकॉर्डिंग टू द कंपास। लेकिन क्योंकि मैग्नेट जो है वो मैग्नेट के साथ उसका इंटरेक्शन है, यानी कि मैग्नेट का मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन है, तो वो उसके यानी कि इसका जो साउथ पोल होगा ये इसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जो इसका जो साउथ पोल है ये इसका जो साउथ पोल है इस मैग्नेट का वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसी तरह जो इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, सही। तो ये जो इंटरेक्शन है उसके मुताबिक जो है अर्थ पे कोई भी जो मैग्नेट पड़ा हुआ है वो अपने आप को अलाइन करेगा। ये है बेसिकली स्टूडेंट्स जो कि हम जिसे हम कहते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।